बिग बॉस के घर में जहां हमने देखा था प्रोमो में तहलका और अभिषेक के बीच में होती है फाइट, जो फाइट बढ़ जाती है धक्का मुक्की में और तहलका हो जाते हैं फिजिकल, लेकिन इस पे अभिषेक कोई रिएक्शन नहीं देते। वही फाइट अब हो रही है वीकेंड के वार पे, मुद्दा वही है, फाइट नहीं है, जहां पे अरुण और अभिषेक के बीच में होता है घमासान युद्ध, जहां अभिषेक करते हैं बिग बॉस से अपील कि बोले कोई एक्शन। कोई एक्शन ना मिलने पर अभिषेक हो जाते हैं गुस्से से पागल और रोने लगते हैं, चीजें पटकने लगते हैं, बार बार बिग बॉस को धमकी देते हैं कि बिग बॉस आप कोई एक्शन ले, क्योंकि जब अभिषेक ने ऐसा किया था तब बिग बॉस ने एक्शन लिया था। अभिषेक का है एक ही नारा कि वीकेंड पे हो इस बारे में बातचीत और निकाला जाए इनको घर से, क्योंकि तहलका ने बहुत बार दिया धक्का और अरुण भी हुए हाथापाई पे उतारू। घर के सभी लोग अभिषेक को मनाते हुए दिखते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी दिखता है कि जब करण जौहर आते हैं तो करण जौहर लगाते हैं अभिषेक को लताड़, कहते हैं तुम्हारा जो ये रिएक्शन था वो ओवर था, तुम ओवर कर रहे हो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसपे अभिषेक का है एक ही कहना कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे। अभिषेक अपनी बात करते हुए कंटिन्यू रहते हैं, जिससे करण जौहर को आ जाता है गुस्सा। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक की मांग सही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें।